राम राम जी, मैं पूनम हुड्डा, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एके रोहतकिया पे। और आज हम पहुंचे हैं मोनू जी के पास। मोनू जी राम राम, और पहले तो अपना इंट्रोडक्शन नमस्कार। दीजिए। मेरा नाम मोनू रोहतकिया, मैं यहाँ रोहतक से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आप किस कैटेगरी में काम करते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए हमें। मेरी लाइन जागरण लाइन है, मेरी जागरण में सिंगिंग करता हूँ मैं। ठीक है, आपका कोई अपना चैनल भी है सर? नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं गुरु जी के चैनल पे ही काम करता हूँ। गुरु जी का चैनल है तो मेरा। आपके गुरुजी कौन है सर, बताएंगे एक बार? मेरे गुरु जी राजीव मधुर जी हैं, जो कि हरियाणा के डीजे फेम कलाकार रहे हैं। गाने डीजे सॉन्ग करते हैं गुरु जी, और जागरण भी करते हैं साथ में। अच्छा, तो आपका भी कोई सॉन्ग आया सर? हाँ, मेरा भी सॉन्ग आया था 2017 में, आया था मेरा सॉन्ग। एक हरियाणवी सॉन्ग किया था मैंने, मेरी जान चलाओ स्कूटी। ठीक है। और सर, मैं ये जानना चाहूंगी, आप इस लाइन में कब से हैं? मेरे को इस लाइन में कम से कम 17-18 साल हो गए। 8-9 में आया था मैं, 2008 में। तो सर, कैसे, मतलब फैमिली की सिचुएशन, या मतलब शौक आपको, कैसे किस कैसे पड़ा आपको इस चीज़ का? मेरे को शौक भी है पहले से, इस लाइन का मेरे को शौक था। परिवार वालों ने भी सहयोग किया, पूरा सहयोग किया परिवार वालों ने भी। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा गा के बताओगे सर? मेरा सॉन्ग 2017 में आया था, और एक मेरे बड़े भाई है मेरे मोखरा से, धर्म सिंह मोखरिया, उसने उसकी लेखनी है, और मैंने गाया था। और उस गाने का म्यूजिक किया था हमारे गुरु जी ने ही, राजू मधुर जी ने। उसके वर्डिंग ऐसी, ओ मेरी जान चला वे स्कूटी, मेरा दिल धक धक करता, कहीं ऊंच नीच हो जावे, ये मेरा यूं आहे भरता। मेरी जान चला वे स्कूटी, मेरा दिल धक धक करता। एक भक्ति और सुनाओ जी इसी पे। भक्ति मेरा अभी अभी इसी 2024 में ही मैंने जनवरी में रिलीज करवाया है गुरु जी के चैनल पे। मेरे भक्ति सॉन्ग आ रहे हैं माँ पाथरी वाले के चरणों में। एक सॉन्ग आया था, आवेगी मेरी मैया रानी, आवेगी मेरी मैया रानी आवेगी। तो पाथरी वाले के चरणों में अभी मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो धीरे धीरे आते रहेंगे गुरु जी के टाइम पे, गुरु जी के चैनल पे। हाँ, और जो आपके आप आगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? आने वाले मेरे प्रोजेक्ट हैं, मैंने अभी माता पाथरी वाले के चरणों में प्रोजेक्ट किए हैं, उसके भी आएंगे अभी, क्योंकि अभी नौरात्र का सीजन आने वाला है। तो उसमें ही कुछ मैं माता पाथरी वाले के चरणों में कुछ भजनों की पेशकश करूँगा, और साथ के साथ ही शीतला माता के भी मेरे प्रोजेक्ट आएंगे अभी। तो कंटिन्यू चलता ही रह रहा है, शेड्यूल बिजी हो रखा है, क्योंकि कल की भी शूटिंग करनी है। भजन हो रिकॉर्डिंग हो चुकी है उनकी भी शूटिंग कल से चालू करेंगे। हाँ भैया, एक रोहतकिया चैनल, जितने भी आल परिवार है सभी भाई के चैनल को सपोर्ट करो, तहे दिल से धन्यवाद है सभी का। ठीक है जी, ये थे हमारे मोनू जी। इनसे बात करके इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और एके रोहतकिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय।